फ्रेंड्स, वेलकम माई न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज देखिए मंडे है और हम बहुत दिन से सोमवार के व्रत करते आ रहे थे, तो आज हमें उनका करना है उद्यापन। सामान हमने सारा तैयार कर लिया है, जो भी पंडित जी ने बताया था सब कुछ लेकर आए हैं। और साड़ी जोड़ा ये सब मैंने घर से किया है, ये तो हो ही जाता है। और सुबह का तो अभी सुबह का ही टाइम है, टाइम हुआ है 8:30। और मंदिर से आने के बाद हमें खाना बनाना है और गाय को देना है। तो सामान में बहुत सारा सामान पंडित जी ने लिखवाया था, ये सब तैयार करना है। पहले देख लेते हैं इसमें क्या क्या है और हमें क्या क्या लेकर जाना है। तो आप ब्लॉग को पूरा ज़रूर देखिए, आपको अच्छा लगेगा। और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ। मम्मा, वो मैं सोच रहा था कि मैं मंदिर साइकिल से चल जाऊँ, सामने वाली तो जाना साइकिल से, लेकिन फिर ये कौन पकड़ेगा? आप। मैं पकड़ूंगी तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी। हैं, साइकिल आ गई अच्छे से चलाने। अच्छा, जब मैंने वाली छोटी छोटी बड़ी वाली ना चली मेरी, और थोड़ी है तो यहाँ पर नहला रही हूँ मैं अपने लड्डू गोपाल जी को। और इनके लिए हमने ये वाली परात अलग से मंगाई है, क्योंकि ये हमारी छोटे वाली परात में नहीं आ रहे थे। और इसके इनके पानी में हम थोड़ा सा गंगा जल रोज़ ही ऐड कर लेते हैं। पंचामृत में रोज़ स्नान नहीं कराते हैं, वो कभी कभी वीक में एक बार हो जाता है। पानी में थोड़ी सी तुलसी के पत्ते और फूल हमने डाले हुए हैं। उसके बाद इनका टॉवल, इनके कपड़े सब कुछ अलग हमने रखा हुआ है। इनके रोज़ के जो कपड़े होते हैं उनको मैं धुलकर डाल देती हूँ। और इनके अभी ज़्यादा तो नहीं हैं, लेकिन जितने भी हैं उनको ही हम रोज़ के रोज़ ही धुलकर डाल देते हैं। वैसे ये भी नहला देते हैं, मैं भी नहला देती हूँ इस तरीके से। तो लड्डू हमारे हो गए हैं तैयार नहा धोकर, अब चलते हैं नीचे। और छड़ी वाले भी आ गए हैं आज, एकदम से सारे काम हो गए। लड्डू नहा धो के एकदम कितने क्यूट से लगते हैं लड्डू। अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं। ये रहा हमारा सारा सामान, अभी टाइम लगेगा यहाँ पर। तो उसके बाद हम पहुंच गए हैं मंदिर में। और क्योंकि आज हमें उद्यापन करना है, तो पंडित जी ने जैसे जैसे हमें बताया था हम सब कुछ वही कर रहे हैं। सबसे पहले हमने जो कलावा होता है उससे पार्वती जी को और शिवलिंग को दोनों को एक साथ इस तरीके से, जैसे कलावा आप देख रहे हो, बांध दिया है। मतलब ये वस्त्र भी बोल सकते हैं कि इस तरीके से पहना देते हैं। उसके बाद हमने सबसे पहले लिया था दही, फिर शहद, फिर घी और दूध। और मतलब पंचामृत करना होता है तो पंचामृत में हमने सब कुछ लिया हुआ था। पंचामृत से अच्छे से स्नान कराने के बाद हमने इनको गंगा जल से साफ किया था। और यहाँ पर अच्छे से बिल्कुल साफ़ करके, कपड़े से साफ करके, उसके बाद दूसरी पूजा स्टार्ट करी थी। क्योंकि पहले तो पंचामृत से ही स्नान कराना होता है शिवलिंग को। और मैं यहाँ पर सारा सामान डाल रही थी और ये अच्छे से शिवलिंग को साफ भी कर रहे थे और नहला भी रहे थे। इस ये वाला मंदिर जो है हमारे घर के पास ही है, तो इसलिए हम ज़्यादातर से इसी मंदिर में जाते हैं। और अगर किसी दिन बड़ी पूजा होती है या कहीं जाना होता है तो दूसरे मंदिर में भी चले जाते हैं, जो कि हमारे घर से थोड़ा सा दूर है। और यहाँ पर हमें जैसे जैसे पंडित जी बता रहे थे हम वही सब कर रहे थे, जैसे कि जनेऊ पहनाना हो गया, कपड़े पहनाना हो गया, और रोली वगैरह, फूल, सब कुछ हमने लाया हुआ था, मेकअप का सामान, पार्वती माता का सब। तो पहले तो जनेऊ भी पहनाए जाते हैं गणेश जी को, कार्तिकेय को, नंदी जी को और पार्वती माता को। पार्वती माता को जनेऊ नहीं पहनाए जाते हैं, शिवलिंग को पहनाए जाते हैं।
ओम शिवाय श्री शंकराय महादेवाय पावन वैकुंठं परमं पवित्रं साजा प्रतात आयुष्मग्रं बलमास्तु तेजः यज्ञ पवित्रं समर्पयामि मतान्ते ओम ओम श्री वस्त्रान स्वर्पयामि वस्त्रान्ते अब इनको जो है वस्त्रान्ते चावल लो मिठी ओम अन्ननानन्तं देशानुपमेश्वरः नमः स्वर्पयामि नमः जय लो जय ओम श्री सारा की ओम अन्ननान्द प्रद्या सावस्तां भवति मारे प्रपन्नं भवति मुदिते स्वर्पयामि हरि पंतानं नमः हम ओम अन्न दाग प्रकृतान पुष्य कृष्ण तिलकम स्मरपया श्री शंकर महादेवाय नमः जात गुलाल त्रिपुण दाग त्रिपुण मुनि त्रिपुण 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 श्री कंडनम चंदनम विलेपनम सुश्रेष्ठ चंदनम विलेपनम स्मरपयामि महादेव प्रियंताम नमो नमः कृतकम स्मरपया देव नम प्रति कान पुष्प प्राप्त तो प्रकाम देव नम प्रति अभी दान त्रिपुण में अभी वाले अभी ना अभी पिलाओ ये वाला ये वाला अभी वो अभी पीले रंग का गुलाल शिव शंभु महादेव प्रताम पमे सतनाम तथा सर्वप्यान महादेव प्रतपन तस्य शिवकामनम श्रीदृत्न नमः सर्वप्यामि नमो नमः और इनके पांच सिपाही गिर गए। तो इसी तरीके से हमारी पूजा चल रही थी और अर्णव वीडियो बना रहा था, लेकिन यहाँ पर धूप होने की वजह से वो बीच बीच में रोक देता था और अंदर मंदिर में जाकर बैठ जाता था। ये जो आप देख रहे हो ये मंदिर के अंदर का व्यू है, यहाँ पर ये अंदर गया था तो इसने वहाँ पर भी वीडियो बना लिया होगा, तो कहीं पर हिला डुला के जैसे कैसे वीडियो बना रहा था। और जो शिवलिंग है ये शिव परिवार है, ये मंदिर के बाहर इन्होंने छोटे से एरिए में एक बनाया हुआ है, क्योंकि दिन में मंदिर बंद हो जाए तो यहाँ पर आकर पूजा कर सकते हैं। और बाद में सबसे बाद में हमारी पूजा कंप्लीट हो गई थी। पंडित ओम जी नो बलिराय दानवेन्द्रो महाबला तेन्दाम प्रधनामि रक्षय माचल माचल रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्तिलोक रक्षक द्वे माता कृपा सिंधु सतरक्षाम देहि च ओम स्वगणाधिपतये नमः ओम जी नद्धवल्याय दानव महाबल तेन्ता प्रतिपदनामि रक्षय माचल माचल रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्तिलोक रक्षक द्वे माता कृपा सिंधु सतरक्षाम देहि च स्वगणाधिपतये नमः ओम जी नद्धवल्याय दानव महाबल तेन्ता प्रतिपदनामि रक्षय माचल माचल रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्तिलोक रक्षक द्वे माता कृपा सिंधु सतरक्षाम देहि च स्वगणाधिपतये इदं नमः। अब जो है आप लोग कथा पढ़ लो, ठीक है? हाँ हाँ, जो वो पढ़ते हैं व्रत में वो कथा पढ़ लो, फिर की आरती जैसे करते आरती कर लो, फिर बुला लेना, ठीक है? तो फ्रेंड्स देखिए, मंदिर से हम आ गए थे और आने के बाद मैंने जल्दी जल्दी फटाफट खाना बनाया, पूड़ी बनाई और दाल बनाई, थोड़ी सी दाल बनाई क्योंकि रात का पनीर भी रखा था, पालक पनीर बनाया था रात में, और शिमला मिर्च की सब्जी भी रखी थी, और थोड़ी सी अब बनाई है दाल, वो भी इसलिए क्योंकि गाय को भोग लगाना था और लड्डू गोपाल जी को भी भोग लगाना था, इसलिए थोड़ी सी दाल बनाई और पूड़ी बनाई और ये लेकर गए अपना खाना, जल्दी जल्दी फटाफट से बना के दिया क्योंकि टाइम हो गया था, हमें बहुत लेट हो गया था मंदिर में, हमें शायद से 1.5 घंटा पूरा लग चुका था मंदिर में, इसलिए लेट हो गया था। अब टाइम हुआ है 12:30 और मैंने खाने का तो निपटा दिया है, अब दूध रखा है, दूध गर्म करूँगी और उसके बाद मुझे करने हैं बर्तन साफ़।
ये देखो बर्तन आज तो पूरी किचन फैली पड़ी है, पूरी बहुत ज्यादा लाइट जा रही है फिलहाल लाइट, और तो बस मैं बर्तन साफ कर दूंगी और फिर उसके बाद थोड़ी देर लेट जाएंगे क्योंकि शाम में फिर आज बच्चे ट्यूशन में भी जाएंगे और योगा भी जाएंगे, तो आज काम बहुत है। तो चलिए इस ब्लॉग का यहीं पर एंड कर देते हैं। आई होप आपको हमारा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।